बात करेंगे द वेल के बारे में। ये एक मूवी है जो कि संजाते हुए इसमें आपको हॉरर देखने को मिलेगा। मैंने इस मूवी को आधे घंटे तक देखा। ये मूवी लगभग 1 घंटे 32 मिनट के आसपास है। इस मूवी की अगर स्टोरी लाइन के बारे में अगर बात करें तो शुरुआत से हमें दिखाते हैं कि एक बस में हमारे एक फीमेल कैरेक्टर, 3 लोग जा रहे होते हैं साथ में। अब जो हमारे फीमेल कैरेक्टर होते हैं, ये भी है इसमें मेन कैरेक्टर होती है, जो कि एक मैंशन के अंदर एक पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए जा रही होती है, ताकि उसे ठीक करने के लिए जा रही होती है। और बाकी के जो 3 लोग होते हैं वो जंगलों पे कुछ जानवरों पे रिसर्च करने के लिए जा रहे होते हैं। अब जो हमारे फीमेल कैरेक्टर है और जो बाकी के 3 कैरेक्टर हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब जो हमारे फीमेल कैरेक्टर है वो इस पेंटिंग को देखती है, जो कि जल चुकी होती है, और वह मेंशन के अंदर होती है। अब जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है, उससे गाने की आवाज़ आती है, तो वो छत पर जाती है, तो एक बच्ची गाना गुनगुना रही होती है। अब जो हमारी फीमेल कैरेक्टर है वो उस पेंटिंग के काम वाम में लग जाती है, और बाकी के जो 3 कैरेक्टर थे वो जंगलों में कैंपिंग करने के लिए सो रहे होते हैं। अब जो हमारे जो एक बंदा है वो माइक लगा के लेटा ही होता है, उसके बाद से उसे आवाज़ सी आती है। जो वो लड़का होता है वो वहाँ जाके देखता है, तो इन तीनों को कोई बेहोश करके इन तीनों को एक जेल जैसी जगह होती है उसके पीछे डाल देते हैं। उसके बाद जो है हमें दिखाते हैं कि ये जो 3 लोग होते हैं, ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर उसके बाद जो एक बंदा आ जाता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता। ये जो बंदा होता है ये जो है अपने साथ एक बाल्टी जाता है और कुएं के अंदर डालता है, कुएं के अंदर बाहर निकलता है। तो इसमें से जो एक लड़का होता है, ये बंदा जो होता है वो उसको पीट पाट देता है और मार देता है और कुएं के अंदर फेंक देता है। तो यही सब आपको इसमें हॉरर देखने को मिलेगा। अब मेरी मानो तो इस मूवी को तुम स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखने लायक कुछ है नहीं, मतलब कि मेरे को मज़ा नहीं आया। फिर कि तुम देख रहते हो तो देख सकते हो, कि तुम्हारी मर्ज़ी। तो आज के वीडियो में सीखना है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब।